की। मैंने बेरवा गर्मी बोली है पर नड्डा जी को स्वागत करना जय थोड़ी जोर बोलनी पड़ेगी। सतीश बोलिए। ना मेरी को नहीं बोलनी, मैं बोलूं अभी मेरे पीछे पीछे बोलियो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। गैलडन गर्मी की ज्यादा लाग रही दिखी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, गंगानगर जिंदाबाद, बीकानेर जिंदाबाद, हनुमानगढ़ जिंदाबाद, चूरू जिला जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सगले बहनों और भाइयों ने मेरी राम राम। आज मेरे सब लोग दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का लोक लाडला अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने सुनने आया है। मैं लंबी बात को नहीं कहूंगा पर नड्डा जी को मैं दो कारण से स्वागत करूंगा कि नड्डा जी और राहुल गांधी जटे जटे जहां हैं बटे भारतीय जनता पार्टी जरूर जीता है। और दूसरो जोर ताली बजाइयो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी को अध्यक्ष बीकानेर डिवीजन में दौरा जरूर कराया होगा पर नड्डा जी तो काल आज हनुमानगढ़ रुके भी गा। एक कोई कस्बे में रुकने वालों कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो भाई नड्डा जी, तो जोरदार ताली आप स्वागत करो नड्डा जी। मंच पर हमारे बीच में विराजमान आदरणीय वसुंधरा जी, केंद्र का मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी और हमारा सबका प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय भारती बेन जी और मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, जिला का अध्यक्षगण, पार्टी का सभी प्रदेश का पदाधिकारीगण और उरे उपस्थित सभी पार्टी का संभाग का बूथ का कार्यकर्ता, आप लोगों ने आज नड्डा जी को मार्गदर्शन मिलेगो। लेकिन मैं सबसे पहले नड्डा जी को यह बात के लिए स्वागत करूंगा और जितने ही बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं वह हम 36 कौम का किसान सरदार लोग बिराजा हैं। मैं आप लोगों ने वास्ते नड्डा जी के स्वागत के लिए धन्यवाद दूंगा कि मैं तो एक छोटे से चूरू जिले के गांव में किसान के घर में पैदा हुए और राजस्थान की धरती पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश को अध्यक्ष बनाने को कोई सौभाग्य दियो, कोई मैंने सम्मान दियो तो भाई जेपी नड्डा जी दियो, भारतीय जनता पार्टी दियो। ए वास्ते मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां से स्वागत करो। कार्यकर्ता साथियों, अमित शाह जी जो शुरुआत करी देश में पार्टी के विस्तार की, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लंबी यात्रा है और वह यात्रा नेताओं के पसीने की और बलिदान से खड़ी हुई है। राजस्थान में भी स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेके ललित किशोर चतुर्वेदी जी तक, भंवरलाल शर्मा जी तक, जेपी माथुर साहब, इतना अनगिनत लोग आ भंवरलाल शर्मा जी से लेकर तमाम लोग, रघुवीर सिंह जी, कौशल, मदनलाल सैनी जी, ऐसे सब लोग आए, पार्टी ने आपके पसीने से खड़ी करी है। और आज जो विराट रूप है 300 से 303 तक लोकसभा में पहुंचना सपने जिसे लाग तो, लेकिन मैं श्रद्धा से याद करूंगा क्योंकि उरे किसान भाई बैठे हैं। मैंने सुबह पत्रकार पूछो कि बीजेपी किसानों के लिए क्या करो, तो इतना सारा लोग बैठे मैं बात ने मेरी बात ने स्वीकार करेगा कि देश में किसानों के लिए पहली बार कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आयो तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों ने किसान क्रेडिट देने को काम कोई करो तो भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी करो। आप लोगों ने फसला की बीमा योजना की सौगात दी तो वाजपेयी जी दी, आप लोगों ने ग्राम सड़का की सौगात दी तो वाजपेयी जी दी, और मैं सब सौभाग्यशाली हूं कि नड्डा जी और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में 70,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव की सड़क बीजेपी के राज में बनी। किसान भाइयों,
समय बदले और आज सूरतगढ़ की धरती है जब खुद प्रधानमंत्री जी उड़ा के और स्वास्थ्य सोयल हेल्थ कार्ड बनायो। आप प्रधानमंत्री की विजन देखो, बांगो दृष्टिकोण देखो, किसाना की उन्नति के लिए वह खेती उन्नत करें, वह के लिए जमीन की स्वास्थ्य किसी है वह कार्ड भी आप लोगों ने सूरतगढ़ की धरती से शुरुआत करी। और मैंने बात को गौरव है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी किसाना के हक की कोई स्कीम है, नड्डा जी पूरा उल्लेख करेगा, लेकिन किसाना के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसो योजना है। 11.8 करोड़ हिंदुस्तान के किसानों ने 1,82,000 करोड़ रुपया मांगे खाते में सीधा जमा करने को काम करे तो प्रधानमंत्री किसान योजना के जरिए हुई। नौजवान और किसान भाइयों, मैं आदरणीय नड्डा जी निवेदन करना चाहूं कि हमारे 5 जिला है संगठन का, 131 मंडल है, 5,900 बूथ है। बूथ का वह सब कार्यकर्ता है जो संकल्प लेके आया है कि डिवीजन की 24 सीटा है, अभी बा में 10 पर मैं काबिज हूं, लेकिन मैं आपने भरोसा दिलवाऊं कि दोस्त 2013 के मैं 17 पर काबिज हूं, लेकिन आज आपका चरण पड़ा है उत्तरी द्वार पर, तो मैं आप लोगों ने भरोसा दिलवाऊं कि जो कार्यकर्ता सामने बैठा है वह कांग्रेस पार्टी का कुराज को मुकाबला भी कर रहे हैं, मुकदमा भी झेल रहे हैं। मैं आपने बता रहा हूं बीकानेर में बिजली की मांग के लिए जब ज्ञापन देने गया तो हमारे जिलाध्यक्ष पर प्रदेश के पदाधिकारियों पर मुकदमा बनाया, और केवल एक मुकदमा नहीं, राजस्थान का कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा अशोक गहलोत की सरकार बनाई। लेकिन मैं भी न डरन आला न झुकन आला, अशोक गहलोत के आतंक को अराजकता को मुकाबला करांगा, कोई हद तक जाके करांगा, और जरूरत पड़ेगी तो यह कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि अशोक गहलोत की जेल भी भर जाएगा, जेल कम पड़ जाएगी लेकिन कार्यकर्ता कम कर पड़ेगा। वास्ते कार्यकर्ता साथियों, आप लोगों ने आज यू तय करके जानो कि 24 की 24 विधानसभा सीट नड्डा जी को आगमन मारो सौभाग्य है। अटैगा किसाना की बहुत बड़ी समस्या है, मैंने लागे कि मैं अभी पिछले दिन लावणी का टाइम आयो तो मैं जाते जाते एक खेत में रुकियो, एक किसान भाई सरसों की कटाई कर रहे हो, मैं पूछो जी क्या हालचाल है, बोले बढ़िया है, 24 में भी मोदी जी ने टेक्सा वोट, तो मैं क्यों के बात हुई, बोले सरसों तो बिक रही है 7,000 ऊपर, नरमो बिक तो 5,500 को 12,000 बिकन लाग रहे है, जो में भी खूब माने मुनाफा हुए है, तो मोदी जी कई जकी बात पूरी कर दी। अब मोदी जी जकी बात कही है दूसरी बात माने पूरा करना है, कि मोदी जी कही है कि राजस्थान ने हिंदुस्तान ने कांग्रेस मुक्त करना है, तो मैंने लागे नड्डा जी वही अभियान लेके आए हैं, 24 की 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आवे और संकल्प लेके आप सब लोग जाओ। एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख की नियुक्ति मजबूती से काम चल रहे, 80% काम पूरा हो गयो। लेकिन नौजवान किसान भाइयों, सुबह में आयो तो मैं नड्डा जी ने भी निवेदन करूंगा ही कि हमारी सरकार यदि आवेगी, सरकार आवेगी पक्की, काम भी जो करो अभी वसुंधरा जी गिनाया, भैरव सिंह जी से राज से लेकर वसुंधरा जी के राज में राजस्थान ने बदल तो आप सब लोग देखे हुए कई तरीके से बदलाव को दौर शुरू हुए हो किसानों की नौजवानों की, लेकिन आज की अराजकता है 7 लाख मुकदमा पहली बार हिंदुस्तान में दर्ज हुए हैं। आ कानून व्यवस्था की हालत है, सड़क चाल तो आदमी सुरक्षित कोनी, अस्पताल में कोनी, स्कूल में कोनी, सड़क पर कोनी, राजस्थान के 60 लाख किसानों पर कर्जो है। और आपने ध्यान वेगो तो कांग्रेस का एक अंतर्राष्ट्रीय नेता आया, दस्तक गिनती गिनी जाने माने गिनती आवे ही को नहीं, बोले दस्तक गिनती गिनूंगा और किसानों को सारो कर्जो माफ कर दूंगा। तो मैंने भी एक बार लागो भगवान कृष्ण कोई अवतार ले लियो, देखियो कि 10 दिन में कर्जो माफ कर देगो, थारा हो गया दिखा सबका कर्जा माफ हो गया। आदरणीय नड्डा साहब, 60 लाख किसान है जिनका 1,20,000 करोड़ का कर्जा बकाया है, 9,000 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, और इसी गंगानगर के रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेल ने आत्महत्या की लाइव वीडियो जारी किया और ये कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी मौत का जिम्मेवार कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अटल बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भाई हैं, राजस्थान में 32% बेरोजगारी सबसे ज्यादा राजस्थान में है, भ्रष्टाचार को तो मेन्यू कार्ड बन गए या रेस्टोरेंट में दाल फ्राई में रेट तय हुए भी, और कानून व्यवस्था की मैं आपने बताई दी, 70 लाख बच्चा परीक्षा दी है राजस्थान में, आप घर खरे हमारे परिवार के सब नौजवान दी 70 लाख बच्चा और नौकरी दी है 1 लाख ने भी कौन दी पूरी, 69 लाख बच्चा को भविष्य के वो कोई दिशा कौन दिया सरकार, और यहां पर भी रीट में चीट इतनी करी
किसान जो आपके पेट काट के कोई नौजवान ने आपकी कोचिंग कराई, नौकरी के लिए तैयारी कराई और बा नकल के कारण राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के लोगों का घर भर गया, लेकिन बा नौजवान नौकरी की कोई उम्मीद को दिख रही। मैंने लगे आप सब लोग पूरी ताकत और तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे 33 जिला में बढ़िया जनाक्रोश आंदोलन खड़े करो। अभी अलवर में बड़ी हुंकार रैली हुई और युवा मोर्चा रीट के खिलाफ बड़ो जबरदस्त आंदोलन करो। मैं आप लोगों का निवेदन करूंगा कि नहरी पानी की बंदी को आंदोलन तो आप लोग चला ही रहो, लेकिन भ्रष्टाचार, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, ऐसा मुद्दा पर पार्टी को काम करते करते भी राजस्थान में एक बड़ो आंदोलन खड़े करने और मैं थाने भरोसा दिवास को कि आप लोगों के पसीने से यह सरकार चली जाएगी। आप लोग जो तैयारी करोगा, जो ताकत और हिम्मत के साथ खड़ा होगा, नड्डा जी आप लोगों की तारीफ करी। मैंने एयरपोर्ट पर उतरता ही पूछो कि आज टेम्परेचर कितनो है, मैं कहो जी 48% है, तो नड्डा जी आ कही कि 48% में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेता का स्वागत करने, अभिनंदन करने, सुनने आ सकता तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता, यही कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं एक बार फिर से नड्डा जी का और मंच पर सभी जो विराजमान है उनका सम्मान करता हूं और आप सब लोग इतनी दूर आया, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। जय हिंद, जय भारत।